नमस्कार, स्वागत है आपका। घड़ी में 9 बज गए हैं, वक्त हो गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। बुलेटिन की शुरुआत करें उससे पहले खबरों की झलकी आपको दिखाएंगे, लेकिन आपको ये बता दें कि आज महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक मुंबई में हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले हैं। ये हम नहीं कह रहे, खुद नवाब मलिक ने कहा है कि 10 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बताएंगे कि कैसे महाराष्ट्र में एक बड़ा घोटाला हुआ है जिसमें फडणवीस शामिल है। लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ इस खबर पर हमारी नजर रहेगी। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले एक नजर डाल लेते हैं बुलेटिन की कुछ झलकियों पर। नवाब मलिक से लड़ाई राजभवन तक आई, राज्यपाल से वानखेड़े परिवार की फरियाद आपको दिखाएंगे। दिल्ली की बात होगी क्योंकि दिल्ली की हवा आज कैसी है, राजधानी के आसमान में फैले जहरीले धुएं का अपडेट आपको देंगे। कांगड़ा लिए चलेंगे जहां पर शिल्पा शेट्टी की तांत्रिक पूजा हुई, बगला मुखी मंदिर में राजकुंद्रा के साथ उन्होंने किया हवन पूजन। और ठीक आधे घंटे बाद यानी कि सुबह 9:30 बजे 100 शहर 100 खबर। और सबसे पहले बुलेटिन की शुरुआत महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के खुलासे के साथ। नवाब मलिक आज पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस के अंडरवर्ल्ड लिंक का खुलासा करने वाले हैं। उनके मुताबिक उनका खुलासा एक हाइड्रोजन बम की तरह विस्फोटक होगा। सुबह 10 बजे नवाब मलिक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इससे पहले अब से थोड़ी देर पहले ही उन्होंने ट्वीट करके ये कहा है कि उनकी नींद खो गई है, अब चैन खोने का वक्त आ चुका है, मिलते हैं आज सुबह 10 बजे। ये ट्वीट करके नवाब मलिक ने कहा। हमें लगता है कि पटाखे भीग गए और आवाज नहीं कर पाए। लेकिन कल सुबह 10 बजे तक का इंतजार कीजिए, बम तो फूटा नहीं लेकिन हाइड्रोजन बम कल सुबह 10 बजे गिरेगा। तो इंतजार कीजिए बस थोड़ी देर और। आर्यन खान ड्रग्स केस में रोजाना नए नए आरोपों के साथ मीडिया में सामने आने वाले महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक बड़ा धमाका करने वाले हैं, जिसे उन्होंने खुद नाम दिया है हाइड्रोजन बम का। आपने अंडरवर्ल्ड का खेल शुरू किया है तो आपको आज मैं कह रहा हूं कि सुबह 10 बजे आप कह रहे थे कि बम फोड़ देंगे, ये बम नहीं है, आपने आडंबर खड़ा किया। लेकिन नवाब मलिक कल सुबह अंडरवर्ल्ड का हाइड्रोजन बम मुंबई में गिराएगा और देश को बताएगा कि देवेंद्र फडणवीस किस तरह से अंडरवर्ल्ड के जरिए पूरे शहर को हॉस्टेज बनाए हुए थे। आप सोच रहे होंगे कि आखिर हाइड्रोजन बम की बात आई कहां से, तो आपको बता दें कि इसके तार महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस की प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़े हैं। फडणवीस ने नवाब मलिक के आरोपों को फुलझड़ी बताते हुए दिवाली के बाद आरोपों का बम फोड़ने का ऐलान किया था। अब उन्होंने एक फुलझड़ी जलाई है तो बम तो फूटेगा और दिवाली के बाद फूटेगा, और दिवाली के बाद नवाब मलिक इनके अंडरवर्ल्ड के साथ क्या संबंध है इसके सबूत मैं आपको भी दूंगा और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष है श्री शरद पवार जी, इनको भी मैं वो सबूत दूंगा। वादे के मुताबिक देवेंद्र फडणवीस कल मीडिया में आरोपों का बम फोड़ने आए। उन्होंने ये कहकर नवाब मलिक का अंडरवर्ल्ड कनेक्शन बताया कि नवाब मलिक ने 1993 बम धमाकों के दो आरोपियों सरदार शाह अली और सलीम पटेल से कुरला इलाके में कौड़ियों के दाम पर तकरीबन 3 एकड़ जमीन खरीदी। आरोप है कि दाऊद इब्राहिम की बहन हसीना पारकर की जमीन सलीम के नाम पर ही पावर ऑफ अटॉर्नी की जाती थी। देवेंद्र फडणवीस ने दावा किया कि 5 में से कुल 4 ऐसी प्रॉपर्टी है जिनका अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन है और जिनका सौदे से नवाब मलिक या उनका परिवार जुड़ा है। हालांकि नवाब मलिक ने इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया। यानी सलीम पटेल और शाह अली खान ने मिलकर इस जमीन की बिक्री की है। बिक्री किसको की है? सॉलिडस इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड। ये सॉलिडस इन्वेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है नवाब मलिक जी के परिवार की। हमें लगता है आपके जो मुखबिर हैं, आपके जानकारी देने वाले, हमें लगता है वो कच्चे खिलाड़ी हैं।
आप कहते तो मैं ही सारा कागजात आपको दे देता और भी कागजात आपको उपलब्ध करा देता। बहरहाल इंतजार हो रहा है नवाब मलिक के हाइड्रोजन बम धमाके का। धमाके से पहले देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने ट्वीट कर नवाब मलिक पर तंज कसा। अमृता ने ट्वीट किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, लेकिन हर बार झूठ और मक्कारी की ही बातें हमें सुनाई। लक्ष्य इनका एक ही है मेरे भाई, बचाना है इन्हें अपना जमाई और काली कमाई। तो बस चंद पल बाकी हैं, महाराष्ट्र की सियासत में नया धमाका होने वाला है। कमलेश सुतार के साथ पंकज उपाध्याय, मुंबई आज तक। चलिए एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं, अब से कुछ ही देर पहले नवाब मलिक ने क्या कुछ कहा ट्वीट करके। ट्वीट में दरअसल उन्होंने कहा कि हाइड्रोजन बम आज फूटने वाला है, उनकी नींद खो गई है, अब चैन खोने का वक्त आ गया है, मिलते हैं आज सुबह 10 बजे। और इस खुलासे पर हमारी नजर रहेगी, लेकिन बढ़ते हैं आगे। इसी से जुड़ी अगली खबर है, क्योंकि कल समीर वानखेड़े का परिवार महाराष्ट्र के राज्यपाल से मिला और नवाब मलिक के आरोपों को लेकर शिकायत की। राजभवन से निकलने के बाद समीर वानखेड़े की पत्नी ने कहा कि राज्यपाल से मिलकर उन्हें शक्ति मिली। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के आरोपों से घिरे एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े एक तरफ अपने ही विभाग की आंतरिक जांच का सामना कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ उनका परिवार इस जंग में नैतिक समर्थन के लिए कल राजभवन पहुंच गया। समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े, पत्नी क्रांति रेडकर और बहन यास्मीन ने कल राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की और नवाब मलिक के आरोपों को लेकर शिकायत दर्ज कराई। सच की लड़ाई है, हम लोग कहीं ऐसा नहीं है कि हम कुछ अपना बहुत बड़ा कंप्लेंट है और ये ऐसा हम रोना नहीं गाने गए थे, हमने सिर्फ इतना ही कहा है ये सच की लड़ाई है, हम ये लड़ने वाले हैं, इसमें हमें सिर्फ स्ट्रेंथ की जरूरत है और वो स्ट्रेंथ का आश्वासन उन्होंने हमें जरूर दिया है। थैंक यू सो मच। इससे पहले वानखेड़े परिवार केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले और अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष अरुण हल्दर से भी मिल चुका है। राजभवन से निकलकर समीर वानखेड़े की पत्नी ने कहा कि उन्हें राज्यपाल से मुलाकात के बाद पॉजिटिविटी मिली है। देखिए अभी जो मीटिंग हुई है उसके हिसाब से हमें बहुत ही ज्यादा पॉजिटिविटी मिली है, मैं इसके बारे में अभी कमेंट नहीं कर सकती कुछ भी, लेकिन हाँ हमने अर्जी दी है, आगे देखते हैं क्या होता है। जी हमने बताई है, हमने सब बताया है, जो पर्सनल अटैक्स हो रहे हैं नवाब मलिक जी से वो भी बताए। थैंक यू। नवाब मलिक के आरोपों की टक्कर में वानखेड़े परिवार ने भी चौतरफा मोर्चा खोल दिया है। समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडकर की बहन हर्षदा ने नवाब मलिक के खिलाफ गोरेगांव थाने में शिकायत दर्ज कराई है। ये FIR IPC की धारा 354, 354D, 503 और 506 के साथ महिला को गलत तरीके से पेश करने कानून के तहत दर्ज कराई गई। इससे पहले समीर वानखेड़े के पिता बॉम्बे हाईकोर्ट में नवाब मलिक के खिलाफ मानहानि का केस और ओशिवारा में SC/ST कानून के तहत शिकायत दर्ज करा चुके हैं। इस बीच नवाब मलिक की तरफ से कल बॉम्बे हाईकोर्ट में मानहानि केस पर जवाब दाखिल किया गया। अपने जवाब में नवाब मलिक ने कहा, एक सरकारी सेवक और नुमाइंदा होने के नाते उन्होंने सिर्फ ज्ञानदेव वानखेड़े के बेटे जो सरकारी कर्मचारी हैं कि गैर कानूनी कामों को उजागर करने की कोशिश की है। मानहानि का केस दर्ज कर ज्ञानदेव अभिव्यक्ति की आजादी को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। मानहानि का केस और कुछ नहीं, बस ज्ञानदेव के बेटे की धांधली को छुपाने की कोशिश है। नवाब मलिक ने अपने जवाब में आगे कहा कि वानखेड़े ये बताने में नाकाम रहे कि उनका बयान कैसे मानहानि के दायरे में आता है। जब नवाब मलिक और वानखेड़े का परिवार आरोप प्रत्यारोप में व्यस्त थे, आर्यन ड्रग्स केस में 26 करोड़ की डील का आरोप लगाने वाले केस के गवाह प्रभाकर सैल से NCB की विजिलेंस टीम पूछताछ कर रही थी। सोमवार को 10 घंटे लंबी पूछताछ के बाद कल प्रभाकर से 11 घंटे मैराथन पूछताछ हुई। प्रभाकर के वकील के मुताबिक वो अपने बयान पर कायम हैं। 10 घंटे क्वेश्चनिंग हुई, कल का जो स्टेटमेंट दिया था उनको कुछ सवाल थे, क्लैरिफिकेशंस थे, वो सारी दी गई है मेरे क्लाइंट के कहने के मुताबिक, और नया एविडेंस जो है वो उनके सामने है। वैसे तो आई वॉज नॉट अलाउड टू एंटर द
room, but my presence was not there in the room, so I don't know what questions were asked. एनसीबी विजिलेंस टीम की पूछताछ पूरी हो चुकी है। अब कल प्रभाकर सैल से एनसीबी की एसआईटी पूछताछ करेगी। उधर एनसीबी की विजिलेंस टीम अब इस केस से जुड़े बाकी बचे लोगों को पूछताछ के लिए बुलाएगी, जिसमें पूजा डडलानी भी शामिल हैं। विद्या एजाज खान और मनीष शेषकर के साथ सौरभ वक्तानिया, मुंबई आज तक। मुंबई से मेरे सहयोगी पंकज उपाध्याय इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। पंकज, देखिए, जो लड़ाई समीर वानखेड़े से शुरू हुई थी, अब वो महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर आकर टिक गई है। आज 10 बजे हाइड्रोजन बम फटेगा, ट्वीट करके इसकी जानकारी। लेकिन दरअसल ये जो आर पार की जंग है, नवाब मलिक को दिक्कत फडणवीस से ज्यादा है, वानखेड़े से ज्यादा है, और आगे उनकी लड़ाई कहां खत्म होने वाली है? देखिए, नवाब मलिक ने कहा है कि ना तो वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, ना ही वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के खिलाफ है। उनका कहना है कि कई ड्रग पेडलर्स ऐसे हैं जो इस घोरक धंधे में लिप्त हैं और वो एक्सटॉर्शन करते हैं, और जिसके चलते कई मासूम हैं जो कि या इस गिरफ्त में आ जाते हैं और बेवजह उनको फंसाया जाता है। इसलिए वो चाहते हैं कि इस पूरे प्रकरण को वो एक्सपोज करें, जिससे मासूम लोग ना फंसे। अब देखिए, आपने सही कहा कि आज 10 बजे नवाब मलिक एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। अब मामला इतना बड़ा है, इतना गंभीर हो गया है, क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर है नवाब मलिक, और उन्होंने कहा है कि वो राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को आज एक्सपोज करेंगे, उनके अंडरवर्ल्ड के साथ जो लिंक्स हैं उनको एक्सपोज करने वाले हैं। पर्सनल अटैक तो है ही, लेकिन अब ये पूरी हेडलाइन बना रहा है, क्योंकि कैबिनेट मिनिस्टर फॉर्मर चीफ मिनिस्टर के बारे में अंडरवर्ल्ड की लिंक्स को एक्सपोज करने की बात कर रहा है। अपने ट्विटर अकाउंट पर नवाब मलिक आजकल बहुत ज्यादा एक्टिव है। आज सुबह सवेरे से ही उन्होंने एक ट्वीट कर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनकी नींद खो गई है, अब चैन खोने का वक्त आ गया है, मिलते हैं आज सुबह 10 बजे। लेकिन दूसरी तरफ अब लगता है कि भारतीय जनता पार्टी भी चुप नहीं बैठने वाली है। बीजेपी ने भी अब मोर्चा खोल दिया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता राम कदम ने भी अब पलटवार करके एक ट्वीट किया है और कहा है कि आज रस्ते पर उतरकर महाराष्ट्र सरकार तथा दाऊद के गुर्गे के साथ संबंध रखने वाले मंत्री के खिलाफ जोरदार आंदोलन होगा, जनता एक एक पैसे का हिसाब मांगती है। यानी कहानी कहां शुरू हुई थी और अब कहां जा रही है, कहां खत्म होगी, ये कहना भी बड़ा मुश्किल है। लेकिन 10 बजे जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने वाले हैं, उस पर सबकी नजर रहने वाली है। मामला अब सिर्फ पर्सनल अटैक्स का ही नहीं है, मामला बड़ा गंभीर है। नवाब मलिक ने तो यह भी कह दिया है कि अब वो बताएंगे कि किस तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई शहर को, राज्य को रैंसम पे रख दिया था जब वो कार्यरत थे, जब वो कुर्सी पे थे, जब उनके पास पावर थी। तो आप देखते हैं नवाब मलिक आज क्या कहते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा, पहले अटैक समीर वानखेड़े पे भी हुए, उनके परिवार पे भी हुए, ड्रग पेडलर्स पे हुए, लेकिन आज क्या होगा देखना होगा। लौटेंगे आपके पास पंकज, तमाम जानकारी लेंगे, क्योंकि 10 बजे बड़ा खुलासा करने वाले हैं नवाब मलिक। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे किस तरीके से तेज रफ्तार ऑडी कार इस कदर बेकाबू हो गई कि उसने 8 लोगों को कुचलते हुए झुग्गी में वो घुस गई। इस घटना में एक लड़की की जान चली गई है, 7 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए। सन्न कर देने वाली ये तस्वीर जोधपुर की है। तेज रफ्तार ऑडी कार आई और एक्टिवा स्कूटी को टक्कर मारते हुए झुग्गी झोपड़ी में घुस गई। अब जरा फ्रेम बाय फ्रेम देखिए। सुबह का वक्त है, आम दिनों की तरह ट्रैफिक है, सड़क के किनारे काफी लोग हैं। तभी एक सफेद रंग की ऑडी कार आती दिखाई देती है। किसी को कुछ समझ आए, इससे पहले ही कार सभी को कुचलते हुए झोपड़ी में घुस जाती है। कार 50 साल का अमित नांगल चला रहा था। उसकी बासनी इलाके में ही एक फैक्ट्री है। अपनी सफेद ऑडी पर वो पाल रोड की ओर जा रहा था, तभी एम्स रोड पर पेट्रोल पंप के पास नियंत्रण खो दिया और बेकाबू कार लोगों को कुचलते हुए पास की झुग्गी में घुस गई। हादसे के बाद चीख पुकार मच गई। घायलों को फौरन जोधपुर एम्स में भर्ती कराया गया, जहां 16 साल की एक लड़की की मौत हो गई, बाकी घायलों का इलाज चल रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अस्पताल जाकर घायलों का हाल जाना। उन्होंने मृतक के परिजन को 2 लाख और गंभीर रूप से घायलों को 1-1 लाख और सामान्य तौर पर घायलों को 50-50 हजार की सहायता राशि का ऐलान किया। कार चलाने वाला अमित नांगल हादसे के बाद भागकर बासनी पुलिस थाना जा पहुंचा। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया
मेडिकल में शराब की पुष्टि नहीं हुई है। 8 लोग इंजर्ड हुए, एक कैजुअलिटी है। इंजर्ड का एम्स में इलाज चल रहा है। गाड़ी ड्राइवर जो है उसको पकड़ लिया है। मौके पर शांति है। ये घटना एक सबक है कि बड़ी गाड़ी का मतलब नहीं है कि आप गाड़ी को जेट समझ लें। गाड़ी काबू में रखें, कंट्रोल में चलाएं। अशोक शर्मा, जोधपुर आज तक। शिल्पा शेट्टी अपने पति राज कुंद्रा के साथ हिमाचल प्रदेश की धार्मिक यात्रा पर हैं। कल रात शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने कांगड़ा के बगलामुखी मंदिर में हवन पूजन किया। मंत्रोच्चार हो रहा है, हवन में आहुतियां दी जा रही हैं। एक तरफ 3 पुरोहित, दूसरी तरफ 3 पुरोहित, सामने फिल्म अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा हवन कुंड में आहुतियां देते हुए। ये हिमाचल प्रदेश कांगड़ा में स्थित मशहूर बगलामुखी मंदिर है, जहां दूर दूर से आम और खास लोग तांत्रिक पूजा करने आते हैं। मान्यता है कि कष्टों के निवारण और शत्रुओं के नाश के लिए बगलामुखी के दरबार में तांत्रिक पूजा की जाती है। इससे पहले पति राज कुंद्रा के साथ शिल्पा शेट्टी ने कांगड़ा घाटी के सिद्ध मंदिरों में मत्था टेका। शिल्पा ने चामुंडा देवी के भी दर्शन किए। शिल्पा और राज ने चामुंडा देवी से क्या मांगा, बगलामुखी में हवन के पीछे क्या मन्नत थी, इसके बारे में दोनों ने कुछ तो नहीं बताया। लेकिन बीते कुछ महीने राज कुंद्रा पर भारी रहे हैं। 19 जुलाई को राज कुंद्रा को पोर्नोग्राफी केस में गिरफ्तार किया गया था। उन पर अश्लील कंटेंट बनाने और उसे OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज करने का आरोप है। इस केस में कुंद्रा को 50,000 के मुचलके पर सितंबर में जमानत मिली है। अशोक रैना, कांगड़ा आज तक। LAC पर चीन के मेरा गांव मेरा देश वाले प्लान के तहत चीन LAC के विवादित क्षेत्र में पहले गांव बसाएगा, फिर जमीन पर अपना अधिकार जमाएगा। दरअसल LAC के पास चीन बड़ी तेजी से मॉडल गांव बना रहा है और ये नाटक कर रहा है कि वहां आदिवासी और जनजातीय आबादी को बसाया जाएगा। लेकिन इस नाटक के पीछे का सच क्या है, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। कहने को तो चीन ने LAC के पास अपने इलाकों में मॉडल गांव बनाए हैं, लेकिन ये रिहायशी बस्तियां नहीं बल्कि सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर है। LAC पर चीन की उकसावे वाली गतिविधियां चलती रहती हैं, लेकिन उसका इरादा बेहद खतरनाक है। इसका खुलासा उसके मॉडल गांव से हुआ है। सूत्रों के मुताबिक LAC के पास चीन ने करीब 600 ऐसे गांव बसाने की योजना बनाई है, जिसमें से करीब 50% का काम पूरा हो चुका है। जिसे चीन मॉडल गांव कहता है, वहां की इमारतों में मिलिट्री कैंप की तरह के ऑब्जर्वेशन टावर बनाए गए हैं। इन इंटीग्रेटेड चीनी गांवों में सुविधाएं ऐसी हैं कि तुरंत बड़े पैमाने पर सैनिकों को वहां ठहराया जा सकता है। यानी एक तरह से ये चीनी गांव कैंटोनमेंट्स का एक्सटेंशन है। बीते कुछ वर्षों में ऐसे चीनी गांव अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के पास बसे हैं। चीन की ये चाल भारतीय सेना की नजर से अछूती नहीं है। चीन की प्लानिंग के तहत 600 से ज्यादा ऐसे गांव LAC के आसपास बसने हैं। इनमें से आधे गांव तैयार हैं और ये ज्यादातर अरुणाचल और सिक्किम और उत्तराखंड के आसपास हैं। लेकिन अभी तक ये गांव खाली हैं और साफ है कि आगे आने वाले समय में PLA इसको अपने सैनिकों के लिए इस्तेमाल करेगा। सवाल पूछा बॉर्डर विलेजेस के बारे में। हाँ, उनकी अपनी नीति या स्ट्रेटेजी के तहत बॉर्डर के साथ कई जगह बॉर्डर के पास
उनके विलेजेस, मॉडल विलेजेस आए हैं। अब उसमें किस मात्रा में वहां पर लोग स्थायी हुए हैं वो दूसरी बात है, पर जहां तक हमारा सवाल है, हमारे लिए ये कंसर्न होगा कि उसका किस तरह से डुअल यूज, डुअल सिविल और मिलिट्री यूज इन सब फैसिलिटीज का, इन सब विलेजेस का वो कर सकते हैं। और इसका संज्ञान या इसका इसका नोटिस हमने हमारे ऑपरेशनल प्लानिंग में पूरी तरह। चीन एलएसी पर अपने इलाकों में ही मॉडल गांवों के नाम पर सैन्य अड्डे बनाता तो भी गनीमत होती। चीन ने तो एलएसी के पास उन इलाकों में भी गांव बसाए हैं जिन पर भारत का दावा है। सामने आई सैटेलाइट तस्वीरों में चीनी गांवों को साफ देखा जा सकता है। 3 नवंबर को अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने चीन की सैनिक गतिविधियों पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। इस रिपोर्ट में भी कहा गया है कि चीन ने एलएसी पर अपने कब्जे को बढ़ाने वाले कदम उठाए हैं। रिपोर्ट में लिखा है कि 2020 में चीन ने एलएसी के ईस्टर्न सेक्टर में तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र और भारत के अरुणाचल प्रदेश के पास विवादित इलाके में 100 घरों के बड़े गांव का निर्माण किया। अमेरिकी रिपोर्ट में किन्हीं खास गांवों या एलएसी के खास हिस्से का कोई जिक्र नहीं है, लेकिन भारत के रक्षा सूत्रों के मुताबिक अमेरिकी रिपोर्ट जिन गांवों की बात कर रही है वो 1959 से चीनी नियंत्रण में है। ये कोई नई कंस्ट्रक्शन जरूर है लेकिन हमारे इलाके में नहीं है। हमारी जो सेना है वहाँ पर, फौज है वहाँ पर बिल्कुल तैनात है, वहाँ पर पूरी विजिल है हमारे पास, और हमने पिछले 1.5-2 साल में जो वहाँ काम किया है उसमें अभी चाइना का कोई वो एस्केलेशन नहीं है उधर, और हमारी फौज बिल्कुल तैयार है हर एक चीज़ के लिए और अच्छा जवाब दे रही है, रेजोल्यूट अपना रिस्पॉन्स है उनका वहाँ पर। तो ये पुराना है। US रिपोर्ट में जो चीन के मॉडल विलेजेस का जिक्र किया है अरुणाचल प्रदेश में, चीन ने उन इलाकों में बनाए हैं जो उनके कब्जे में 1959 से है, और स्पेशली जो लॉन्जू एरिया के बारे में जो जिक्र होता है, ये अमूमन हमारे पोस्ट से नजर नहीं आते, पर चंद गांव जो नजर आते हैं उनमें सुधार हुआ है, पर इस तरह के मॉडल विलेजेस नजर नहीं आते। एक और एलएसी पर चीन रिहायशी गांवों के नाम पर अंधाधुंध सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर रहा है, तो दूसरी ओर उसे भारत की बॉर्डर सड़कों पर भी एतराज है। चीन का यही दोहरा चरित्र भारत को और ज्यादा सचेत रहने के लिए अलर्ट कर रहा है। अभिषेक भल्ला, दिल्ली आज तक। पूर्वांचल वासियों की लोक आस्था का महापर्व छठ का आज पहला अर्घ दिया जाएगा। छठ को लेकर दिल्ली में जबरदस्त सियासत है। यमुना किनारे छठ मनाने पर रोक को लेकर बीजेपी और आप आमने सामने है। बीजेपी के पूर्वांचली मोर्चा ने यमुना किनारे छठ मनाने का ऐलान किया है। पंकज जैन मेरे सहयोगी इस वक्त यमुना घाट से लाइव जुड़ गए हैं। पंकज, अब इन सियासत के बीच ये महापर्व कैसे मनाया जाएगा? वहां पर अर्घ दे सकेंगे जो व्रती हैं या फिर नहीं? देखिए नेहा, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से पिछले दिनों हमने जो झाग की तस्वीर देखी, उस झाग को हटाने का काम किया जा रहा है। मेरे ठीक पीछे आप देखिए, ये जो बोट नजर आ रही है, ये बोट पीछे कुछ इस अंदाज में झाग को खत्म करने का काम कर रही है। लेकिन यहाँ सवाल बरकरार है कि क्या इससे यमुना का प्रदूषण कम हो जाएगा या यमुना का प्रदूषण खत्म हो जाएगा। और साथ ही साथ हमें घाट पर ऐसे लोग भी मिले नेहा, जो पहुंच रहे हैं यहाँ पर पूजा करने के लिए या अपने छोटे छोटे घाट बनाने के लिए, लेकिन यहाँ पर अधिकारियों की टीम भी तैनात है और यहाँ पर जो बांस है, बांस के जरिए बैरिकेड्स बनाए जा रहे हैं ताकि लोग घाट पर ना उतर सकें। तो तैयारियों को यहाँ पर अंजाम दिया जा रहा है। एक तरफ आज सुबह जो भाजपा के सांसद हैं प्रवेश वर्मा, वो ITO घाट पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने ये ऐलान किया है कि वो आज सुबह से लेकर शाम तक वहां पर मौजूद रहेंगे और छठ पूजा में शामिल होंगे। तो ऐसी स्थिति में टकराव होना आज लाजमी है, और ऐसी स्थिति को देखते हुए भी कि यमुना से इस झाग से कैसे निपटा जाए, अब दिल्ली में 15 बोट तैनात की गई हैं। ऐसे इलाके जहां पर सबसे ज्यादा झाग पाया जाता है या प्रदूषण होता है यमुना नदी में, वहां पर झाग हटाने का काम ये बोट करेंगी। नेहा, बिल्कुल पंकज, और सिर्फ झाग ही वहां पर मुसीबत नहीं है, वहां पर पानी भी मैला है, उसमें भी प्रदूषण है, जिसको लेकर सियासत तेज है।
केजरीवाल सरकार ये कह रही है कि पानी दरअसल यूपी से आ रहा है, इसमें दिल्ली में प्रदूषण शामिल नहीं है। पंकज, इस बीच कल भी हमने देखा था कि कैसे वहां पर घाट पर मनोज तिवारी पहुंचे थे, उन्होंने दिखाया था कि कैसे यमुना प्रदूषित है, इसमें जो व्रती नहा रही है या उसके पानी का इस्तेमाल कर रही है वो कितना घातक हो सकता है। बिल्कुल, हम तस्वीरों के जरिए भी नेहा आपको दिखाते हैं। एक तरफ ये तैयारियां देख लीजिए, यहाँ पर बैरिकेड्स लेकर जा रहे हैं और साथ ही साथ पीछे जो यमुना नदी है वो अभी भी काली है, इसमें प्रदूषण नजर आ रहा है और जो बोट है वो यहाँ पर झाग को हटाने का काम कर रही है। लेकिन ये बात साफ है कि जब छठ पर्व मनाने की अनुमति मिलती थी उससे पहले हरियाणा से पानी बहाया जाता था दिल्ली की तरफ, इससे घाट पर जो स्तर है पानी का वो बढ़ जाया करता था। लेकिन इस साल क्योंकि अनुमति नहीं है तो पानी बढ़ाया नहीं गया और ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो मैला पानी है वो घाट के किनारे नजर आ रहा है। लेकिन आसपास रहने वाले कुछ ऐसे श्रद्धालु हैं जो अपनी आस्था को ध्यान में रखते हुए घाट किनारे पहुंच रहे हैं, वो छोटे छोटे घाट यहाँ पर बना रहे हैं और शाम को जब अर्घ दिया जाएगा डूबते हुए सूरज को तो उसकी तैयारी भी कर रहे हैं। लेकिन बहुत मुश्किल है, यहाँ खड़े होना मुश्किल है, यहाँ बहुत तेज बदबू आ रही है क्योंकि इतना गंदा पानी है। लेकिन यहाँ पर बहुत से ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब ढूंढने की कोशिश की जा रही है। लेकिन फिलहाल देखना यह होगा कि जो छठ घाट पार्कों में और ग्राउंड में बनाए गए हैं वहां पर भी क्या इंतजाम किए गए हैं श्रद्धालुओं के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज, इस तमाम जानकारी के लिए आपका। और आपको याद होगा कि जब दिल्ली के चुनाव होने वाले थे तो हर पार्टी के मैनिफेस्टो और एजेंडा में यमुना घाट और यमुना की सफाई शामिल था, उसके बावजूद ये सूरत हाल है। उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे की सौगात से सत्ता पाने की कोशिश पहले भी हुई है। मायावती और अखिलेश ने भी एक्सप्रेसवे से जनता का दिल जीतने की कोशिश की लेकिन वो नाकाम रहे। इसीलिए सवाल उठता है कि क्या योगी आदित्यनाथ इस मिथक को तोड़ पाएंगे। इसमें बदलाव हो करके रहेगा। उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने का काम अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने लगातार उत्तर प्रदेश को 4.5 साल में पीछे कर दिया, बर्बाद कर दिया। उत्तर प्रदेश के चुनाव में चंद महीने बचे हैं लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी के दो सबसे बड़े दावेदारों में जुबानी जंग ऐसे हो रही है मानो कल ही चुनाव। अखिलेश योगी को बाबा कह रहे हैं तो योगी अखिलेश को बबुआ कहकर ताना मार रहे हैं। कोरोना के दौरान भी मैं आपके जिले में 2-2 बार आया था लेकिन दूसरे दलों के लोग होम आइसोलेशन में थे तो चुनाव में भी उनको घर में ही दुब के रहने की आवश्यकता है, उनको घर में ही दुबवा देना। आपके संकट के समय में घर तक सीमित थे, ट्विटर तक सीमित थे, उनसे कहना कि बबुआ ट्विटर ही वोट भी दे देगा। आप बाबा मुखर्जी जी को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, वो जा रहे हैं, जाने वाले से क्या लेना देना। अखिलेश को बबुआ कहकर योगी जनता को ये याद दिलाना चाहते हैं कि कोरोना महामारी के बीच वो गायब थे। अपने इस आरोप को गहरा करने के लिए योगी लगातार अखिलेश और आजम खान जैसे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को लगातार निशाना बना रहे हैं। कोरोना प्रबंधन उत्तर प्रदेश का सबसे अच्छा, पूरे देश और पूरी दुनिया के अंदर सबसे अच्छा। यही नहीं, कोरोना घर में जिनको हुआ उनको तो ठीक किया ही गया, जो जेल में भी कोरोना से पीड़ित थे उनको भी ठीक किया। इस सियासी वार पलटवार में योगी जहां विकासवाद के सहारे तो अखिलेश इत्र के सहारे बदलाव की हवा बनाने में जुटे हैं। इसी सिलसिले में अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी इत्र लॉन्च किया। महकते हुए जाएंगे, उन्हें समाजवादी पार्टी और समाजवादी विचारधारा याद दिलाते हुए जाएंगे। रंग भी लाल हरा रखा है आपने, अगर कहीं दूसरी जगह चली जाइए बोतल खुशबू बदल पाए ना बदल पाए लेकिन रंग जरूर बदल देंगे। जानकार 2022 के चुनाव में योगी और अखिलेश के बीच ही कड़ा मुकाबला बता रहे हैं लेकिन मायावती दोनों ही पार्टियों के दावों को हवाई बताती हैं। जो यहाँ अनगिनत
व थोक में भरमार घोषणाएं, शिलान्यास एवं अधकच्चे कार्यों के उद्घाटन व लोकार्पण आदि किए हैं, तो इनका ये सिलसिला इस बार विधानसभा चुनाव में होने वाली हार को काफी कुछ दर्शाता है। तो उत्तर प्रदेश की फिजा में चुनावी रंग घुलना शुरू हो गया है। चुनाव के ऐलान में भले ही वक्त हो, लेकिन सभी दलों ने अपने दांव खेलने शुरू कर दिए हैं। अभिषेक मिश्रा, लखनऊ आज तक। अक्टूबर में ऑनलाइन सेल्स के दम पर डिजिटल ट्रांजैक्शंस अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गए थे। डिजिटल ट्रांजैक्शंस में आई इस तेजी के बावजूद देश में कैश का इस्तेमाल घटने की जगह लगातार बढ़ रहा है। नोटबंदी के बाद उम्मीद ये थी कि करेंसी के सर्कुलेशन में कमी आएगी, लेकिन कोरोना और साइबर फ्रॉड ने इसे बढ़ा दिया है। आनंद महिंद्रा के अकाउंट से ट्वीट किया गया ये वीडियो हाल के बरसों में भारत में डिजिटल लेन देन में हुई बढ़ोतरी का बेहतरीन सबूत है। नोटबंदी और फिर कोरोना काल ने तो डिजिटल ट्रांजैक्शन को नए मुकाम पर पहुंचा दिया। ये वीडियो देखकर आसानी से समझा जा सकता है कि आखिर क्यों भारत में अक्टूबर में यूपीआई के जरिए मूल्य के हिसाब से 100 अरब डॉलर यानी 7.71 लाख करोड़ से ज्यादा का लेन देन हुआ है। ये यूपीआई से लेन देन का अब तक का उच्चतम स्तर है। सितंबर में यूपीआई से करीब 6.54 लाख करोड़ रुपए का डिजिटल पेमेंट दर्ज किया गया था। अक्टूबर में इस रिकॉर्ड के बनने में ई कॉमर्स से हुई खरीदारी का बड़ा रोल रहा। यूपीआई के साथ ही डेबिट क्रेडिट कार्ड नेट बैंकिंग जैसे माध्यमों ने भी डिजिटल भुगतान में बड़ा इजाफा किया। इन सब के बावजूद लेन देन के चलन में नोटों का इस्तेमाल धीमी गति से ही सही लेकिन बढ़ना जारी है। आरबीआई के ताजा आंकड़ों के मुताबिक 4 नवंबर 2016 को 17.74 लाख करोड़ रुपए के नोट चलन में थे, जो अक्टूबर 2021 को बढ़कर 29.17 लाख करोड़ रुपए पहुंच गए। 30 अक्टूबर 2020 तक 26.88 लाख करोड़ के नोट चलन में थे। वहीं 1 नवंबर 2019 को करीब 22.31 लाख करोड़ रुपए की करेंसी सर्कुलेशन में थी। जानकारों का मानना है कि करेंसी के सर्कुलेशन में हुई बढ़ोतरी की एक बड़ी वजह साइबर क्राइम का बढ़ता खतरा है। In November 2016, market had 17.74 lakh crore rupees, जो October 2021 को बढ़कर 29.17 lakh crore rupees हो गए। अभी आपको समझना पड़ेगा कि आम जनता डिजिटल मीडियम्स के मुकाबले कैश या नकदी अपने साथ रखने में ज्यादा कंफर्टेबल या सिक्योर महसूस करती है। वन ऑफ द मेजर reasons दैट आई कैन पॉइंट आउट इज द insecurity ड्यू टू द साइबर ऑनलाइन क्राइम। इसके साथ ही नकदी के इस्तेमाल में हुई बढ़ोतरी की एक बड़ी वजह कोरोना महामारी भी रही है। लॉकडाउन समेत तमाम प्रतिबंधों के दौरान लोगों को पास में कैश रखना ज्यादा सुरक्षित लग रहा है। आज तक ब्यूरो।